हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोगों की NIC की प्रॉब्लम होती है कि उनके NIC के अंदर जो एक कोई मिस्टेक्स होती हैं और वो करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो उस हवाले से ये है कि इसमें फिर नादरा के अगेंस्ट एक सूट फॉर डिक्लेरेशन अगेंस्ट नादरा फाइल होता है इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, और उसमें यही लिखा जाता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे NIC में ये मिस्टेक है और उस मिस्टेक को प्रूव करने के लिए मेरे पास ये एविडेंस है। जैसे कोई नाम की मिस्टेक है तो उसके साथ आप फिर अपनी एकेडमिक रिकॉर्ड जैसे डिग्रीज़ हैं, इंटर सर्टिफिकेट है या ग्रेजुएशन डिग्री है या मैट्रिक सर्टिफिकेट है, तो उसकी फिर आप लगाते हैं साथ में कि एविडेंस के तौर पे करेक्ट नाम ये होना चाहिए, लेकिन चाहे अपना नाम या फादर्स नेम में मिस्टेक होती है तो फिर वो उसमें आप वो एनेक्सर लगाते हैं कि ये एविडेंस है, इसकी बेसिस पे नादरा को डायरेक्शन दी जाए कि मेरे NIC में करेक्शन की जाए। तो ये बेसिकली ये सूट फॉर डिक्लेरेशन बनता है, फाइल होता है इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज अगेंस्ट नादरा, फिर इसमें नादरा के ऑफिशियल जो है अपॉइंटेड होते हैं उन कोर्ट्स में जो जिस दिन वो केस चलते हैं, तो उसमें फिर नादरा ऑफिशियल्स अपियर होते हैं और वो फिर उस पर अपना एक देते हैं मौकफ के वो क्यों नहीं कर रहे, और उसमें मोस्टली फिर ये कोर्ट से ऑर्डर हो जाता है कि आप ये एज पर रिकॉर्ड इनकी करेक्शन कर दें।